अभिजीत दर्शन से मुझे बहुत पसंद है। कहा कितनी फनी है ना, मतलब अब कितनी मजाकिया है ना। हाँ आज तो हम भी देख रहे हैं, बहुत मजाकिया है। अरे आओ बिलट राजे, इधर आओ। अब तुम ऊपर सरको और आराम करो, ऑफिस वाफिस शुरू हो जाएगी तो आराम ना ही मिलेगा, ऐसे भी शादी में बड़ी थकान लगी होगी है। जाओ सरको, चलो सब आराम करो। क्या तुम लोगों को दूसरी भाषा में कहे का? ए प्रीतिया, तुम्हारी छुट्टी कितने दिन की है? थोड़ी बची है अभी। कितनी? चार? चार। हाँ ठीक है ठीक है, और फिर भी बैठो बैठो, थोड़ा आराम करो। चलो अब सब खत्म हो गया, पूजा हो जाए, बहू को भी लेके जाओ, हैं बैठो आराम करो, गप्पे वप्पे मारो हैं। पंडित जी आप ले लीजिए झोले में आपकी दक्षिणा, चलो। आपसे एक बात पूछे? हाँ पूछो। आपसे इस घर में सब अच्छे से बात करते हैं ना? सब लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत प्यार भी करते हैं मुझे। लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? अरे नहीं नहीं, वो नानी जी जी बहुत सख्त है ना, तो हमने तो कुछ और ही देखा इसीलिए पूछा। जैसे आपकी सासू माँ बहुत अच्छी है और शिवम भैया वो भी बहुत अच्छे हैं। एक और बात पूछूं? हाँ पूछो। वो आपको अम्मी जी पे गुस्सा आया था ना? नहीं नहीं आप टेंशन मत लीजिए, वो हमने पाँव पड़ने वाली बात पे देखा था ना, सो इसीलिए हम कह रहे थे आपसे। सच कहें तुमसे, वो मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि दोनों भाइयों के बीच की बात है तो है क्यों बीच में बोलूं। एक बात और बोलूं? हाँ। देखो हम समझते हैं कि शादी में जो कुछ भी हुआ ना वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब जो हो गया है उसे तो मैं बदल नहीं सकती ना, इसलिए जो कुछ भी हुआ ना रानी उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अरे अरे सॉरी काहे बोल रही है, और जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, हमको हमारा प्यार मतलब कि अमित जी हमें मिल गए, इससे ज्यादा और क्या अच्छी बात हो सकती है ना? हाँ। एक और बात कहें हम आपसे, आपकी पहली रात कैसी थी? हाँ। नहीं हुई, मतलब कि इस घर का एक रिवाज कि जब तक सत्यनारायण जी की पूजा नहीं होती ना पति पत्नी एक कमरे में सो नहीं सकते। हाँ वो हम तो भूल ही गए थे, अब पहले सत्यनारायण की पूजा होती है, पर आज तो आपकी पहली रात होगी ना? हम आई होगी या नहीं वो तो हमें नहीं पता। ऐसा क्यों बोल रही हूँ? हमारा कमरा कौन सा जाएगा? तो सही बोल रही हूँ, जिस सिचुएशन में हमारी शादी हुई है ना उसमें ये सब चीजें दिमाग में नहीं आई होंगी सबकी, है ना? अरे नहीं नहीं, इन मर्द लोगों का ना स्वाभिमान कुछ ज्यादा ही होता है, हमेशा लड़ते रहते हैं, पर हम लोग तो दोस्त हैं ना, कभी नहीं लड़ेंगे। वैसे आप हनीमून के लिए कहाँ जा रही हैं? मतलब कि हम और अमित जी भी आपके साथ चलेगा? हनीमून के बारे में तो हमने अभी सोचा ही नहीं, और पता नहीं कि हम लोग हनीमून के लिए जाएंगे भी या नहीं। अरे तो शिवम भैया से पूछो ना, और टिकट भी करवा लो ना उनसे कह के। हम शिवम से बात तो कर लेंगे, लेकिन बुआ जी और अमित जी मान जाएंगे? अरे हाँ हाँ मान जाएंगे, हम उनको मना लेंगे, आप ना इस बात की चिंता मत करिए, और वैसे भी इन सब मामलों में ना हमारा दिमाग कंप्यूटर जितना तेज चलता है। ठीक है हम शिवम से बात कर लेंगे। हाँ लेकिन तुम एक बार फिर से सोचो ना, अभी अभी घर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई, बुआ जी को पुलिस अरेस्ट करने आई थी और इतना सा बवाल हुआ था। हाँ हाँ पुलिस आई थी, वो सासू माँ को लेके भी जा रही थी, लेकिन हमने बचा लिया उनको,
हम गए और पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़ा और कहा कि हमारी सासू माँ बहुत अच्छी है। बस उन्होंने छोड़ दिया। बस आप चिंता मत करिए, इस मामले में ना हम सब कुछ फटाफट ठीक कर देंगे। हाँ ठीक, तो मैं शिवम से जरूर बात करूंगी। बात करना ठीक। दोनों भाभियों के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है? नहीं नहीं, वो हम बस रिया जी से हनीमून के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, साथ में जाएंगे फिर अलग अलग, और बस यही बात। शिवम भैया से आप बात करिएगा ना, शिवम भैया से हम जरूर बात। अरे अरे आप दोनों टेंशन मत लो, मैं भैया से बात कर लूंगी। तुम शिवम से कोई बात नहीं करो। क्यों, भूल गई अभी बाहर क्या हुआ था? देख रही हो अम्मा, हमारी जेल यात्रा की कथा कितने विस्तार पूर्वक सुना रही है हमारी बहू। सच्ची में ऐसी तिकड़मी बहू लाकर तो हमने अपनी कब्र खुद ही खोद ली है। काहे फिकर कर रही है हम, है ना अम्मा? फिकर तो होगी ना, कितनी चिंताएं हैं। कहीं से 5 लाख मिल जाते तो थोड़ा सहारा हो जाता। मिलेंगे मिलेंगे पैसे, पहले हम इससे तो निपट ले। रनिया, देवरानी से बात करने के लाने पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी तो हमारे कमरे में सरक नेक बेक देना है। चल बिट्टो रानी, अपनी भाभी के जेवर निकाल दे, इतना वजन शरीर पे लेके कब से बेचारी घूम रही है। पंडित जी को चाय दी का? हाँ दे दे। और तुम्हारी अम्मा कहाँ सरक गई? पंचागला ने बोला था खत्म हो निकले, ये नाश्ता देना। हाँ। पंडित जी नाश्ता भी भिजवा रहे हैं, हम आ रहे हैं। चल सरक, चल चल। चलिए भाभी जी जेवर उतार लीजिए। हाँ ऐसे भी मम्मी ने बहुत बढ़िया सा खाना बनाया, शाही पनीर। पनीर? हाँ मैं पनीर नहीं खाती। क्यों? अरे अब तो खाना पड़ेगा आपको, ऐसे किसे नहीं खाओगी? आपकी सासू माँ ने बनाया। हाँ। चलो हाँ भाई बोल बोलो। क्या बे, कहाँ भाग रहे हो? भाग कर रहे जज, काम से जा रहे। तुम्हें क्या लगा हमें चकमा दे के निकल लोगे? हाँ नहीं भाई ऐसा थोड़ी ना है। बेटा पैसा हाथ में आया नहीं अब भागना शुरू? भाई आपको बोला ना नानी पैसे दे देंगी तो दे देंगे, उन्होंने बोला एक दो दिन में दे देगी, तो आज कल तक हम पैसे दे देंगे आपको। जब तक तेरी नानी पैसा नहीं देती ना तब तक चुपचाप गुजारा नानी के घर पे। अगर पैसा नहीं मिला ना तो घर से बाहर मत निकलना, बता दे रहा हूँ। अरे भाई मतलब ऐसे कैसे, मतलब घर में घुसे रहे काम का छोड़ के हम हैं, जब पैसे आएंगे तो दे। मामा के यहाँ जा रहे हो क्या? चाहते हो यही तुम्हारी इज्जत निकाल तुम्हारे हाथ में दे दें? हैं जल्दी निकल। जरा हमारी तरफ नजरे घुमा, क्या बात कर रही थी रिया से? बड़ी बनने की कोशिश कर रही थी। नहीं नानी जी हम तो कुछ भी नहीं कह रहे थे, वो तो हम हनीमून। पतलून नहीं पहन सकती, देख पतलून। पतलून नहीं अम्मा, हनीमून, हनीमून ना। हाँ। ये आजकल के दूल्हा दुल्हनों का नया ढकोसला है, शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन हाथ पकड़ के कहीं सैर सपाटे पे चले जाते हैं, हनीमून। उसको हनीमून कहते हैं। अरे और कोई जगह नहीं मिलती तो हरिद्वार ऋषिकेश ही चले जाते। हरिद्वार ऋषिकेश तो बुड्ढे डुड्ढे जाते, शादी के बाद दुल्हन दूल्हा हरिद्वार ऋषिकेश जाएंगे। ए ज्यादा उड़ मत, ये तो काशी भेज देंगे भजन करने के लाने। अब सुन, नेक देने के लाल ने बुलाया था कमरे में, और ये बार नेक में सामान नहीं देंगे, सलाह देंगे। तो कान के पर्दे खोल और हमारी बात सुन, ऐसी सलाह दे रहे जिंदगी भर काम आएगी। अगर अपने परिवार के किसी सदस्य या परिवार की कोई बेइज्जती करे वो तुम्हारा जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। का? दुश्मन बन जाता है। और अगर उसे अपना दोस्त बनाने की कोशिश करोगे फिर तो तुम्हारी जिंदगी कभी ना ही सुधरेगी, समझ रही है? समझ रहे हैं। इसलिए
रिया के साथ सगी सहेली बनने की कोशिश भी मत करना। अगर हमारी सरला या अमितवा को जरा भी दुख हुआ तो हम तुम्हें वो हनीमून के लाने ऐसी जगह भेज देंगे ना कि भगवान भी नहीं ढूंढ पाएंगे तुम्हें। जी नानी। रिया है ना, तुम्हारी देवरानी है, तुम जेठानी हो, इज्जत करवाओ अपनी उससे। बात समझ में आ रही है? आ रही है। अमितवा के साथ रिश्ता अच्छा बना के रखना है। ईला नहीं सब सलाह दे रहे हैं हम। अब सर को रसोई में कुछ काम मत करना, काम करने की नौटंकी करना। हम चाहते हैं कि अमित की बहू शिवम की बहू से बीस साबित हो। बस बात सुन ले और समझ गई? हाँ, समझ गई। तुझे हम बचपन से देखते आ रहे हैं ना, है? तुझे हम प्यार करते हैं। हम चाहते हैं कि तू सुखी रहे। ई लाने ही सब बता रहे हैं, दिमाग में बात घुसा दे। जी सर। हाँ। अम्मा जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, तू भी सुन ले। रिया की इतनी तारीफ करना ही रनिया के सामने, ये खुदे चिढ़ने लगे रिया से। गीता सार के बाद तो अब हमें शांति सार ही अच्छे से समझ में आया है। सच्ची बता रहे नहीं सच्ची बता रहे हैं अम्मा, ये गृहस्थी भी युद्ध भूमि होती है और यहाँ का एक ही नियम होता है कि बांटो और राज करो। और वही हम करेंगे, वही करेंगे हम। अब तुम तो इतनी शातिर हो नीति नियम बनाने में, तुम ही हमें बता दो कि तुम्हारी आंटी से 5 लाख निकालने के लिए हम क्या करें। मम्मी, आई मम्मी। यार मम्मी यार चलो यार यहाँ से, मैं यहाँ बर्दाश्त नहीं हो रहा है हमसे। हमारी अम्मा ने भी सही कोटी घुमाई है, 5 लाख देने वाले थे 1.5 लाख टिका रहे। मतलब यार हमारा तो खून खोल रहा है यहाँ पे। सर शांत रहे ना, अभी जितना आ रहा है आने थे, जो बाकी बचा हुआ वो बाद में सरकार लेंगे ना। कब से उस नागिन के सामने बीन बजा रही हो, एक नाचने का नाम नहीं ले रही है। का घुसुर पुसुर चल रही है अम्मा बेटे में। अरे अब गरीब की गृहस्थी किस तरह चलेगी, इसी जोड़ तोड़ में लगे हैं अम्मा। अब सब इतने नसीब वाले थोड़ी होते हैं कुसिया भाभी की तरह सारा घर आसपास नाचता रहे। बहुत काम है, अब हमें मुक्त करो। अमित यही कह रहा था, चलो मम्मी घर चलते हैं। हाँ कर देंगे मुक्त, मुफ्त में मुक्त कर दे का है? रियो कुसिया, तुम्हारी सारी अकल शादी में बहा दी का? कब से बोल रहे पंचांग ढूंढ पर नाए, तुम्हारे एक कान से बात अंदर जाती है और दूसरे कान से सरक जाती। तो एक काम कर, कापूस का गोला एक कान में डाल दे तो कहा बात अंदर अटक जाएगी, तुम्हारे दिमाग तक पहुंच जाएगी। अरे वो ही ढूंढ रहे हैं अम्मा जी, कहीं नहीं मिल रहा है। हमारे कमरे में ढूंढा, हाल में ढूंढा, सब जगह ढूंढ लिया। अब आपका कमरा एक बाकी रह गया है, वहां ढूंढने जाकर जा सकते तो आप है? अकेले सो तो मिलेगा नहीं तुझे है? अरे यार इनको बोलो ऐसे उठकर हमारे भी पैसे दे दें, तो इनकी नौटंकी तो वैसे ही संभाली नहीं जा रही हमसे। अरे निकालेंगे रुक। हाँ? नहीं है यहाँ तो, इधर भी नहीं है अम्मा जी। कुसिया, ये तुम्हारी मृगनैनी आंखें लगता है कांच के बटन है। अच्छा दिखता ना, ये उम्र में हमारी आंख देख इधर से दिखता है।
मिल गया है भगवान। अरे धूल, क्या ये साड़ी कितनी खूबसूरत है, लेकिन सिल्वर पे पड़ गई। अम्मा जी हम इस्त्री कर देते हैं इसको, कल पहनने में काम आएगी आपको, है? बहुत सुंदर है तो। नजर लगा रही है क्या? रहने दे सिलवटे, हम ऐसे ही पहन लेंगे। अरे करना था तो पहले ही कर देती हैं। आलसी, एक नंबर की आलसी बन गई है तुम।